गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, आई होप मेरी आवाज़ जो है वो आप सभी को बिल्कुल क्लियरली आ रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये जो भी 60 डेज का रैपिड रिवीजन चल रहा है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करेंगे। ये रिवीजन सेशन होगा, तो ऑब्वियसली आई होप यू ऑल नो कि रिवीजन सेशन में जो भी डिस्कशन है वो थोड़ा सा फास्ट पेस में होगा। यहाँ पर हम किसी भी नए कंसेप्ट को या टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। तो ये इस पर्टिकुलर चैनल के द्वारा नई शुरुआत, जिसमें हम 60 डेज यानी कि अगले 60 दिनों में, प्रीलिम्स के बहुत नज़दीक हैं हम, तो इन अगले 60 दिनों में हम टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आप जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहते हैं आप इस सेशन के बाद पूछ सकते हैं। अगले 60 मिनट में हम इंडस वैली से जुड़े हुए टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन अगर मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है और अगर हम इस सेशन को शुरू कर सकते हैं तो। ओके, दैट इज ग्रेट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा सा फास्ट पेस में होगा, हालांकि बहुत सारे लर्नर्स बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि मेरी जो स्पीड है, अगर आप उसको डबल करके सुनेंगे तब आपको वो नॉर्मल लगेगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले 60 मिनटों में हम लोग ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। कहानी की शुरुआत होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोरी पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, टाउन प्लानिंग, सोशल डिफरेंसेस, क्राफ्ट प्रोडक्शन, कॉन्टैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, अथॉरिटी एंड द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। जब भी हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से देखने को मिलेगा दैट देर आर एक्चुअली 3 फेजेस। ठीक है, आपको 3 फेजेस हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे और इनमें सबसे पहले अर्ली फेज आता है, उसके बाद आप मैच्योर फेज को आते हुए देखेंगे और फिर आपका फाइनल जो लेटर फेज है वो आता है। तो एक तरीके से जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसकी अगर हम बात करें तो अर्ली फेज के बारे में और लेटर फेज के बारे में हमें कुछ ज्यादा अधिक जानकारी नहीं है। अर्ली फेज वो समय है जब इस सभ्यता की शुरुआत हुई, लेटर फेज वो है जब इस सभ्यता का अंत हुआ। तो शुरुआत और अंत के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन जब अपने एपिक्स लेवल पर थी यानी मैच्योर फेज पर थी, उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। पिछले सेशन में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पूरे पास्ट को 3 हिस्सों में बांटा था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हरप्पन सिविलाइजेशन इनमें से कौन से हिस्से में आएगी, प्री, प्रोटो या फिर हिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आने वाला प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ऑब्वियसली आता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है उससे जुड़ी हुई हमारे पास स्क्रिप्ट तो मौजूद है, रिटन एविडेंसेस भी मौजूद है, लेकिन वो लिखित प्रमाण हमारे फिलहाल किसी काम के नहीं है क्योंकि हम उस स्क्रिप्ट को अब तक डिसाइफर नहीं कर पाए। ये एक बड़ी कमाल की बात है जो इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में कही जा सकती है। ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि एक ही समय में 2 सिविलाइजेशंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, एक दूसरे के समकालीन है, कंटेम्पररी है। एक प्री हिस्टोरिक पीरियड की, सॉरी, एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की मानी जा रही है और एक हिस्टोरिक पीरियड की। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हिस्टोरिक पीरियड की है क्योंकि उसके रिटन एविडेंसेस को हम यूज कर पा रहे हैं, स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर कर चुके हैं। तो समकालीन समय में एक ही टाइम पर आपको यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसी साइट्स मिले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से हो सकता है कुछ ऐसी साइट सिविलाइजेशन मिले जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से हो, और ऐसी सिविलाइजेशन भी पाई जा सकती हैं उसी समय में जो हिस्टोरिक पीरियड से हो। तो पॉइंट ये है कि किसी भी पर्टिकुलर समय को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री में रखने के पीछे का जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट, ओके, रिटन एविडेंस।
तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है उसकी कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ कहानी शुरू होती है 1853 के समय की। 1850s में क्या चल रहा था? ऑब्वियसली लॉर्ड डलहाउसी वॉज दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया, सॉरी नॉट वाइस रॉय, लेकिन हम उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जरूर कह सकते हैं। वाइस रॉय की टाइटल जो है वो बाद में अडॉप्ट किया गया इन गवर्नर जनरल्स के द्वारा। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे लॉर्ड डलहाउसी थे और लॉर्ड डलहाउसी बहुत सारी चीज़ें भारत में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उन्होंने पोस्टल सिस्टम लाया, यहाँ पे पब्लिक डिपार्टमेंट जो है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो शुरू किया। इसी समय में एडुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव आते हैं और उसी बीच रेलवे लाइन्स भी बिछाई जा रही थी भारत के अलग अलग हिस्सों में। आखिर क्यों ये रेलवे लाइन्स इसलिए बिछाई जा रही थी? ताकि भारत के अलग अलग रिमोट एरियाज जो हैं उनको कनेक्ट किया जा सके, और इसका फायदा फाइनली ट्रेड में ही होगा क्योंकि दूर दराज के इलाकों तक ब्रिटिश गुड्स को बेचा जा सकेगा, मार्केट्स को ओपन किया जा सकेगा। तो ऑब्वियसली रेलवे लाइंस बिछाने के लिए टिम्बर की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, ईंटों की जरूरत है, और उसी बीच नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था वहां पर, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वहां पर एक्सकेवेशन हो रही थी, यानी कि खुदाई चल रही थी। उसी दौरान बहुत सारी पकी हुई ईंटें एक के बाद एक, एक के बाद एक सामने आती जा रही थी। उस समय के लोगों ने इन पकी हुई ईंटों की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं, और उन्हें लगा कि ये ईंटें तो बड़ी कारगर हैं, ये काफी हद तक बेक ब्रिक्स हैं, काफी अच्छे वेल प्रोपोर्शन शेप में हैं, और इनका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए किया जा सकता है। तो उस समय के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इन ईंटों की सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाते। ठीक 15 से 20 साल के बाद, हम बात कर रहे हैं 1870 के दौर की, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई और उसके पहले डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पर अलेक्जेंडर कनिंगम आए। अलेक्जेंडर कनिंगम भारत के इतिहास को पढ़ना चाहते थे, आर्कियोलॉजी जो है उस फील्ड में भी काफी हद तक वो एक्टिव थे, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो ही वॉज समवन जो क्या करते हैं, जो यहाँ 600 बिफोर कॉमन एरा से 400 कॉमन एरा के बीच के पीरियड में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ये वो हिस्सा है जब गंगा नदी के आसपास सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, लोगों ने बसना शुरू किया, महाजनपद का पीरियड है ये। यहाँ पर मौर्य आए, गुप्तकाल आया। तो यू विल सी दिस थिंग कि अलेक्जेंडर कनिंगम जिस पीरियड में इंटरेस्ट रख रहे हैं वो पीरियड हिस्टोरिक पीरियड है, उससे जुड़े हुए हमारे पास अच्छे खासे रिटन एविडेंसेस हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, इन पीरियड को समझ सकते हैं, इस समय के लोगों को जान सकते हैं। लेकिन वही एक्सकेवेशन करने पर वही ईंटें बार बार सामने आ रही थी, और उन ईंटों के साथ साथ इस प्रकार की सील भी सामने आ रही थी। आप यहाँ पर ये सील देख सकते हो, ये जो सील आप देख रहे हैं, ये सील एक एक्सकेवेटर के हाथ आई, उसने उसको उठाया, अलेक्जेंडर कनिंगम के हाथ में रखा, और अलेक्जेंडर कनिंगम ने उसको इस प्रकार से देखा। नाउ द पॉइंट इज ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सील है क्या, मतलब ये एक प्रकार से टेराकोटा का जो टुकड़ा है एक टैबलेट की फॉर्म में, ये क्या चीज है, वो समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा, इस तरह की किसी चीज का जिक्र उनके रिटन एविडेंसेस में मौजूद नहीं था। जो भी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस या अलग अलग ट्रैवलर्स की अकाउंट बुक्स को रेफर कर रहे थे, उनमें इस सील का जिक्र कहीं नहीं मिलता, इस पर लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है उसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। तो वो इस सील को 600 बिफोर कॉमन एरा से 400 कॉमन एरा के बीच में कहीं सेट ही नहीं कर पा रहे, फिट ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीज आप यहां होती हुई देखेंगे। ओके, मिनट रुकिए। ओके, ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी डिस्कवरी के बारे में हमने बात की। हालांकि जॉन मार्श, आई थिंक देर इज सम नेटवर्क इशू।
ओके, इज इट वर्किंग एवरीवन? ओके ठीक है. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस यस यस, आई विल ट्राई. एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ कि ये प्रॉपरली चले. अगर ये बीच में रुकता है तो फिर हम लोग देखते हैं. ठीक है. सो हमने यहाँ पे इसकी डिस्कवरी के बारे में बात की कि कैसे कितने लंबे समय तक इसकी डिस्कवरी को टालते रहे और फाइनली लोगों को समझ आया कि ये साइट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. एंड देन दे ऑब्वियसली डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन और उसकी अनाउंसमेंट भी की गई दैट द सिविलाइजेशन वॉज कंटेम्प्रेरी टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज पीपल. ऑब्वियसली ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है. लिखित प्रमाण होने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा जो पीरियड है ये ओके. सो लिखित प्रमाण ना होने के बावजूद भी यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पीरियड है इसको फिर भी हम पढ़ सकते हैं. और वो आर्टिफैक्ट्स के बेस पर जो भी एक्सकिवेट करने पर हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं हम उन्हें इंटरप्रेट करते हुए इस पीरियड को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो उनमें सबसे पहले डाइट्री प्रैक्टिसेस आती हैं. आखिर किस तरह की चीज़ें ये कंज्यूम करते थे, खाया करते थे. तो आप देखोगे कि हमें बहुत सारे ग्रेन्स मिले हैं. वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट, ये चैरिड फॉर्म में मिले, अध जले फॉर्म में, मटकों में चिपके हुए, पॉट शेड्स पर चिपके हुए मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इस तरह के बीज, इस तरह की सीड्स ये कंज्यूम करते थे. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बोन्स भी हैं जो हम एक्सकेवेट करने पर हमारे सामने आते हैं. कुछ ऐसे बोन्स हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के हैं, कुछ ऐसे बोन्स हैं जो वाइल्ड एनिमल्स के हैं, और पूरे हद तक जो चांसेस हैं वो ये हैं कि इन वाइल्ड एनिमल्स को हॉन्ट किया जाता था, यानी कि इनका शिकार करके पकड़ के फिर इन्हें खाया जाता था. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट जैसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ खेती भी कर रहे होंगे, शायद बहुत हद तक चांसेस हैं. तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकें इन लोगों के बारे में कि हाँ ये खेती में भी इन्वॉल्व थे? सो यस, वी डू हैव सम एविडेंसेस. कुछ इस प्रकार के हमारे पास एक्सकेवेट करने पर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं. टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा के बहुत से आपको छोटे छोटे बुल के टॉयज मिलेंगे. नाउ द पॉइंट इज, बुल टेराकोटा के टॉय के फॉर्म में पाया जाना और मैं सीधा इसको एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर दूं, ये तो सही नहीं है. बट द पॉइंट इज, बुल के बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉयज मिले हैं तो बुल जो है उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रही होगी और बुल को एक तरह से खेती से भी जोड़ा जा सकता है, हल जो है उन्हें खींचने के लिए. तो ये जो बुल हैं टेराकोटा के टॉयज के फॉर्म में तो पाए गए हैं, लेकिन इन्हें सील्स पर भी दर्शाए गए हैं. अलॉन्ग विद दैट, ये जो आपका चोलिस्तान बनवाली रीजन है वहां पर आप देखोगे वहां पर हमें टेराकोटा का एक प्लॉ मिला है, छोटा सा टॉय. तो अगर वो टॉय है तो ओरिजिनली लकड़ी के प्लॉज का इस्तेमाल भी ये किया करते होंगे, लेकिन शायद वो लकड़ी का जो प्लॉशर रहा होगा, हल रहा होगा, वो अब तक बच नहीं पाया और ये टेराकोटा का टॉय बचा रह गया. तो यस, दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पर आपको कुछ फेरो मार्क्स मिलेंगे, प्लॉट फील्ड के एविडेंस मिलते हैं कालीबंगन राजस्थान में. ठीक है. तो यू कैन सी दैट दीज आर सम ऑफ द एविडेंसेस जो हमें इनकी खेती के बारे में बताते हैं कि ये खेती भी किया करते थे. अब अगर ये खेती करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सारी साइट सिंधु घाटी के आसपास नहीं पाई जाती,
इसलिए काफी बार हम सिंधु घाटी शब्द को अवॉइड करते हैं, हम इसको इंडस सिविलाइजेशन कहेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सही शब्द नहीं है, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन की जितनी साइट्स हैं वो वैली के आसपास नहीं, उससे बहुत दूर दराज के इलाकों में भी पाई गई है। और वो दूर दराज के इलाके सेमी एरिड रीजन में है, जहाँ पर पानी, बारिश जो है वो बहुत कम होती है। तो अगर बारिश कम होती है तो खेती किस प्रकार से की जाती होगी? तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑब्वियसली उन्होंने किसी प्रकार की सिंचाई व्यवस्था, किसी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ तैयार की होंगी, जिसके जरिए ये खेती कर पा रहे हैं। तो यू कैन सी अफगानिस्तान में यहाँ पर जो शोरतुगई एक इम्पॉर्टेंट साइट है, जहाँ लैपिस लजूली नाम का ब्लू कलर का पत्थर भी पाया जाता है, वहाँ हमें कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं, यानी नदियों से होते हुए यहाँ पर एक प्रकार से कैनल्स के जरिए पानी जो है वो खेतों तक पहुँचाया जाता था। इसी प्रकार से धोलावीरा एक और इम्पॉर्टेंट साइट, जो कि अब यूनेस्को की लिस्ट में आ चुकी है, अभी रिसेंटली खबरों में थी धोलावीरा, जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, वहाँ पर आपको इस प्रकार का वाटर रिजर्वर मिलेगा, जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाता होगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एविडेंसेस जो हैं वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। अब यहाँ हमने सब्सिडरी ऑब्वियसली सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने इनके फूड के बारे में बात की, इरिगेशन फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों में ये इन्वॉल्व थे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं वो है प्लान टाउन्स। इन्होंने अपनी सिटीज और टाउन्स को बहुत ही खूबसूरती से प्लान किया। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ये पिक्चर मोहनजोदड़ो की प्लानिंग को दर्शाती है। इस प्लानिंग में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टाउन दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा थोड़े से निचले प्लेटफॉर्म पर है और दूसरा हिस्सा थोड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर है, सिटाडेल पे है। ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर बनाया गया जो हिस्सा है उसे हम अपर टाउन कहेंगे, और निचला हिस्सा जो ये बड़ा सा साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली लोअर टाउन। अगर आप सिर्फ इस पिक्चर पर ध्यान देंगे तो भी आपको समझ आएगा कि यहाँ ग्रीक पैटर्न को फॉलो किया गया है। मोस्टली जो स्ट्रीट्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को कट करती हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया वो या तो स्क्वायर शेप की बिल्डिंग्स हैं या रेक्टेंगुलर शेप की बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ ये टाउन्स बहुत हद तक प्लान्ड थे। अगर हम इन टाउन्स में एंटर होकर देखते हैं तो हमें प्लानिंग के और भी बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बहुत खूबसूरती से बनाया गया। टाउन्स में जितने भी घर हुआ करते थे उन घरों की एटलीस्ट एक दीवार आपकी नाली से अटैच्ड होगी, घर का सारा गंदा पानी उसी नाली में चला जाएगा। वो जो नाली होगी, वो जो ड्रेन्स होंगे, वो फाइनली मेन स्ट्रीट से 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। इवन इन ड्रेन्स के ऊपर इस प्रकार के लूजली पैक्ड ब्रिक्स भी लगाई गई, ताकि समय समय पर इन ईंटों को हटाकर नालियों की सफाई की जा सके और इन ब्रिक्स को वापस लगाकर नालियों को कवर किया जा सके। वहीं जब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो है प्राइवेसी की इम्पॉर्टेंस। जितने भी घर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे उन सभी घरों में खिड़कियाँ हैं, लेकिन खिड़कियाँ अंदर की साइड है, ऐसी कोई खिड़की आपको नहीं मिलेगी जो गली में खुलेगी। तो ये प्राइवेसी एक तरीके से इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती थी। दूसरा, हर घर में आपको आंगन मिलेगा, बीच में एक कोर्टयार्ड मिलेगा, और सभी घरों की जो गेट्स हैं, सभी घरों में जो रूम्स हैं उनके जो एंट्रेंस गेट हैं वो इसी आंगन में खुलते हैं। प्राइवेसी जो है उस पर थोड़ा सा अगर आप और ध्यान देंगे, ये वर्ड जो है वो बार बार आपको इस डोमेस्टिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन एंट्रेंस डोर के सामने इस प्रकार की दीवार आ जाती है, और सेंट्रल कोर्टयार्ड में आंगन में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं होंगी। तो प्राइवेसी इनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि काफ़ी हद तक यहाँ देखी जा सकती है। ठीक है, क्या सारे के सारे टाउन्स इसी प्रकार के होते थे? जैसे हमने मोहनजोदड़ो का एग्जाम्पल देखा, क्या सारे टाउन्स इसी प्रकार के थे? नहीं, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे धोलावीरा या फिर लोथल। धोलावीरा एक्सेप्शन कैसे है? वो दो पार्ट्स में विभाजित नहीं है, वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। आपको उसमें अपर टाउन मिलेगा, मिडिल टाउन मिलेगा, और उसमें लोअर टाउन भी मिलता है। वहीं लोथल की बात करें तो लोथल अपर टाउन और लोअर टाउन में बटा तो हुआ है, लेकिन उसके चारों ओर किसी प्रकार का फोर्टिफिकेशन आप नहीं देखेंगे। वहीं कालीवंगन की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक माउंड है, उसमें किसी प्रकार का डिविजन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो टाउन प्लानिंग हमने पढ़ी है ये स्टैंडर्ड टाउन प्लानिंग थी और हर टाउन इसी तरह से तैयार किया गया था, इसी तरह से प्लान किया गया था। हर टाउन की अपनी प्लानिंग थी, लेकिन ये टाउन्स प्लान्ड जरूर थे, ये सारी चीज़ें हमें इन्हें देखकर समझ आती हैं।
ठीक है। सो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लायक है वो ये कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर टाउन्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, अगर टाउन्स के दो हिस्से हैं, एक ऊपरी पायदान पर, एक ऊपरी प्लेटफॉर्म पर, एक निचले प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, तो शायद इस समाज में सोशल डिफरेंसेस रहे हों। यानी कि एक प्रकार से टाउन्स को दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में बांटने के पीछे के बहुत से कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अपर टाउन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो और लोअर टाउन जो है वो रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोग आके रहते हो। वेरी मच पॉसिबल, राइट? तो ये चीज आप देखोगे। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि अपर टाउन जो है वो अथॉरिटी से जुड़ा हो, यहाँ पर राजा या एलीट क्लास के लोग रहते हो, जबकि लोअर टाउन जो है वो आम लोगों के लिए हो। तो देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, लेकिन एक चीज हमें काफी हद तक यहाँ से जो समझ आ रही है कि समाज में सोशल डिफरेंसेस थे जो काफी हद तक इस टाउन में भी देखे जा सकते हैं, इस टाउन की प्लानिंग में देखे जा सकते हैं। ठीक है, क्लास सिस्टम शायद उस समय होता हो, शायद शब्द का इस्तेमाल ही हम बार बार करेंगे बिकॉज ये पूरा जो टॉपिक है आपका ये इंटरप्रिटेशंस पर ही आधारित है। अगर हम सिटाडेल की बात करते हैं, अपर टाउन की बात करते हैं, तो ये अपर टाउन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इस अपर टाउन में एंटर होकर कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल पर्पस बिल्डिंग्स को देखते हैं विच आर नॉट दैट वेरी कॉमन और वो लोअर टाउन में नहीं पाई गई हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली मोहन जोदड़ो की बात करूं तो वहां पर आपको वेयर हाउस मिलेगा, इवन वहां पर आपको स्विमिंग पूल जैसा दिखने वाला इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ नाम दिया है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से आपको सीढ़ियां अंदर जाती हुई देखने को मिलेंगी। इसकी जो फ्लोरिंग है उसको वाटर टाइट बनाया गया है। इसके चारों ओर बाथरूम्स हैं और कॉर्नर्स में कुएं, तो शायद कुओं से पानी भरकर इसको पूरी तरह से फिल किया जाता हो। नाउ वी आर नॉट अगेन वेरी श्योर अबाउट द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। ये जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इसका इस्तेमाल क्या था उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन जो ज्यादातर इंटरप्रिटेशन इसके बारे में की गई है, इट सीम्स कि इसका कोई कल्टिक सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा हो। शायद किसी अच्छी ओकेशन पर यहाँ पर लोग आकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो या फिर डुबकी लगाए करते हो पानी भर के, वी आर नॉट वेरी श्योर। या फिर ये एक प्रकार की लग्जरी हो सकता है उन लोगों के लिए जो सिटाडेल यानी कि अपर टाउन में रहा करते थे, जो इसे अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि एलीट सेक्शन, एलीट क्लास। सो यहाँ पे टाउन्स का जो डिविजन है दो हिस्सों में बांटना, उसके ही बेस पर हम सिर्फ सोशल डिफरेंसेस ट्रेस नहीं कर रहे, बल्कि अपर टाउन में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स भी पाई गई हैं जो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होती तो शायद लोअर टाउन में भी पाई जाती। तो टाउन प्लानिंग काफी अच्छे से हमें समझ आ रही है, बट यहाँ से सोशल डिफरेंसेस भी हमें समझ आ रहे हैं। एक और चीज जिसके जरिए सोशल डिफरेंसेस को काफी अच्छे से समझा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है बरियल्स, यानी कि ग्रेव्स और ग्रेव गुड्स, उन्हें स्टडी करके। तो आप मान लो धोलावीरा में यहां पर बिल्कुल आमने सामने दो ग्रेव्स हैं, दो बरियल्स हैं इस प्रकार से, और उनमें आपको स्केलेटन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से स्केलेटन जो है वो आप देखेंगे, एंड ये जो स्केलेटन्स हैं ये किसी ना किसी व्यक्ति के रहे होंगे जिन्हें इन ग्रेव्स में दफनाया गया होगा। बट द पॉइंट इज कि इनके साथ साथ आपको क्या मिलते हैं, इनके साथ साथ आपको एक प्रकार से ग्रेव गुड्स भी मिलते हैं। तो यू विल फाइंड सम पॉट्स विद देम, इस तरह से पॉट्स आर वेरी कॉमन। ये ग्रेव गुड्स के फॉर्म में बहुत कॉमन है जिनमें ग्रेन्स भर के रखे जाते थे। बट अलोंग विद दैट मान लो कि इनमें से एक जो ग्रेव है उसके गले में बहुत ही खूबसूरत लैपिस लजूली के पत्थरों वाली माला है, मतलब एक ऐसी माला, एक ऐसा नेकलेस जिसमें लापिस लजूली के बीड्स हैं। नाउ यहां से हमें डिफरेंस समझ आता है, जरूर धोलावीरा की हम बात कर रहे हैं। अब धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहां पे लापिस लजूली लोकली मिलता ही नहीं है, उसको तो अफगानिस्तान से शोरतोगई से लाना पड़ता था। तो जरूर ये व्यक्ति जिसका स्केल्टन इस पर्टिकुलर ग्रेव में है वो इतना पैसे वाला तो था, इतना रिच तो था कि वो लापिस लजूली जैसे बहुत ही रेयर पत्थर जो है उसको अफोर्ड कर सकता था और उसकी माला पहन सकता था। तो जब हम बरियल्स की बात करते हैं, जब हम ग्रेव्स की बात करते हैं, उन ग्रेव्स में पाए जाने वाले गुड्स की बात करते हैं, तो वो गुड्स भी हमारी मदद करते हैं सोशल डिफरेंसेस को ट्रेस करने में। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे
ये जो ग्रेव है ये एक आम व्यक्ति की है, और ये जो ग्रेव आप देख सकते हो ये एक अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति की है, जिसके ग्रेव गुड्स में कुछ प्रीशियस स्टोन्स पाए जा रहे हैं। उस समय में कॉपर जो है वो भी एक प्रीशियस मेटल के तौर पर ही देखा जाता था, बिकॉज कॉपर वॉज नॉट लोकली अवेलेबल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें जो भी साइट्स थी वहां पर लोकली अवेलेबल नहीं था कॉपर। कॉपर को दूसरे कल्चर से, विच वॉज वेरी मच कंटेम्प्रेरी टू दिस हड़प्पन बेल्ट, वहां से लाया जाता था। तो खेतरी माइंस से लाया जाता था। खेतरी माइंस आहाड़ बानस कल्चर के अंडर आती हैं। आहाड़ बानस कल्चर चालकोलिथिक पीरियड में काउंट होता है, चालकोलिथिक साइट है। वहाँ कॉपर और स्टोन के टूल्स पाए जाते हैं। वहाँ पर प्रिमिटिव लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाता था। आहाड़ बानस कल्चर वॉज रूरल इन नेचर, इट वॉज कंटेम्प्रेरी टू हरप्पन कल्चर, जहाँ हरप्पन कल्चर अर्बन नेचर का था। सो दे वर वेरी मच कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यहाँ से कॉपर बाहर से लाया जाता था। तो अगर इन ग्रेव्स में कहीं कॉपर का मिरर भी मिला तो वो भी एक लग्जरियस आइटम है, और उससे भी हमें समझ में आ रहा है कि इस समाज में, इस सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे। ओके? तो इस तरह से बरियल्स को स्टडी करके और उन बरियल्स में पाए जाने वाले लग्जरियस आइटम्स को स्टडी करके सोशल डिफरेंसेस को ट्रेस किया जा सकता है। याद रखिए, ये सारे हम अंदाजे लगा रहे हैं, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब कुछ अंदाजा है, ठीक है? ये इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए काफी पॉपुलर है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के कुछ बेहतरीन उदाहरण देखेंगे, और उनमें से सबसे पहला उदाहरण जो हम देखने वाले हैं वो है स्कल्पचर्स। अलग अलग प्रकार के बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स, और उन्हीं स्कल्पचर्स के थ्रू हम यहाँ पर इन लोगों के जीवन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। ओके? सो जस्ट लेट मी नो इफ इफ यू आर एबल टू सी स्लाइड जिसके ऊपर पत्थर का एक बहुत खूबसूरत सा स्कल्पचर है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? सो सबसे पहले स्कल्पचर्स की बात करेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम लोग, और उसमें आते हैं आपके स्टोन के स्टैचूज, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो स्कल्पचर आप देख सकते हो, ये बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन, बस्ट पार्ट इतना हिस्सा होता है, और ये स्कल्पचर हमें मोहन जोदड़ो में मिला। ये पर्टिकुलर स्कल्पचर सोप स्टोन का बनाया गया है, यानी सोप स्टोन स्टीरटाइट पत्थर जिसको बहुत ही आसानी से शेप दिया जा सकता है। काफी अच्छा पत्थर है, किसी भी सीजल से या किसी भी शार्प पॉइंटर से आप उसको बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो ये स्टीरटाइट का बना हुआ स्कल्पचर है। अब जब ये स्कल्पचर मिला होगा तो ऑब्वियसली बात है आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्कल्पचर को समझने की कोशिश की होगी कि ये किसका है। तो अगर हम इस स्कल्पचर को ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है इसने बीच में से बालों को पार्ट किया हुआ है, ऊपर एक फिलेट पहना है, यहाँ पर एक आर्मलेट पहना है, उसने एक बहुत खूबसूरत शॉल पहनी हुई है जिसमें ट्रोफॉइल पैटर्न के फूल बने हुए हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि शायद ये कोई राजा रहा होगा जिसका स्कल्पचर बनाया गया। लेकिन वहीं जब हम आंखों पर गौर करते हैं तो आंखें पूरी तरह से खुली नहीं है, हाफ ड्रॉपिंग है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ध्यान निद्रा में है या फिर किसी प्रकार से मेडिटेशन कर रहा है। तो काफी लोगों को लगा शायद ये कोई प्रीस्ट हो। तो हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे कि ये प्रीस्ट है या फिर ये किंग है। तो हमने इसको प्रीस्ट किंग नाम दिया, हालांकि प्रीस्ट किंग भी एक प्रकार की इंटरप्रिटेशन ही है। वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये स्कल्पचर किसका है, लेकिन इस कल्चर से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस कल्चर को देखकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अच्छे क्राफ्टमैन थे, काफी बेहतरीन थे, काफी स्किलफुल थे, और उनकी स्किल्स इन स्कल्पचर्स में काफी क्लियरली नजर आ रही है। क्या हम ये कह सकते हैं इस कल्चर को देखकर कि ये लोग स्पिनिंग और वीविंग जानते थे, ये कॉटन और वुल का इस्तेमाल जानते थे, ये कपड़े की बुनाई कढ़ाई जानते थे, तभी तो उन्होंने यहाँ पर कितनी खूबसूरती से इस पर्टिकुलर शॉल को दिखाया है। क्या हम इन लोगों के बारे में ये कह सकते हैं कि ये फैशन कॉन्शियस थे? क्या ये फैशन करना, अपने आप को संवारना, तैयार करना पसंद करते थे? बिल्कुल सही। यहाँ पर इस तरह की ज्वेलरी जो आमलेट, फिलेट और नेकलेस के तौर पर देखी जा सकती है, ये हमें दर्शाती है कि ये फैशन कॉन्शियस भी थे।
सो यू कैन सी दिस थिंग वेरी क्लियरली. उसके बाद कुछ और भी स्कल्पचर्स हैं जो कि यहाँ पर पाए गए हैं. यू कैन सी देयर इज अ मेल टॉर्सो जो हड़प्पा से मिला, रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है. और इस स्कल्पचर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चली वो है स्कल्पचर बनाने की टेक्निक. ये पूरा सेम स्टोन का एक स्कल्पचर वहीं नहीं बनाते थे, ये फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनाते थे. क्या आप यहाँ पर सॉकेट पॉइंट्स देख सकते हैं? बॉल सॉकेट इस तरीके से जोड़ने के लिए. जैसे आज के समय में प्लास्टिक की डॉल्स आती हैं, ठीक है, उसमें भी जो गर्दन है उसको आप ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि देयर इज अ सॉकेट, ठीक है, और वो गर्दन को आप इस तरह से फिट कर सकते हो. तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग स्कल्पचर्स के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग करके बनाते थे और उसके बाद उनको असेंबल करते थे. वेरी मच पॉसिबल, राइट. वहीं जब हम नीचे वाले डांसिंग मेल टॉर्सो को देखेंगे, देयर इज अनदर टॉर्सो जो हमें हड़प्पा से ही मिला, ग्रे सैंड स्टोन का बना हुआ है. और इस टॉर्सो को देखकर ऐसा लगता है कि ये टॉर्सो जिसका भी बनाया गया है वो डांस कर रहा है. तो शायद इनके जीवन में डांस और म्यूजिक की बहुत अहमता रही होगी या उस चीज को वो बहुत अहम मानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे. ओके, ये जो रेड कलर का आप सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो देख रहे हैं, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फेलस जो है उसको भी हाईलाइट किया है. एंड इट सीम्स काफी सारे ऐसे स्कल्पचर्स पाए गए हैं जिनमें फेलस को हाईलाइट किया गया है. तो शायद ये फेलस को फर्टिलिटी के सिंबल के तौर पर पूजा करते होंगे, बट अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर. Then there is another sculpture. अभी हमने स्टोन के स्कल्पचर्स पढ़े, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेटल कास्टिंग की. आपको मेटल कास्टिंग, मेटल के बने हुए स्कल्पचर्स भी मिलेंगे. ऑब्वियस ही बात है कि मेटल जो है उसको मोल्टन फॉर्म में शेप देना इज क्वाइट, इट्स नॉट दैट वेरी पॉसिबल. मोल्टन फॉर्म में मेटल को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि उस समय में मेटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिसके जरिए मेटल को शेप दिया जा सके, और वही तरीका है लॉस्ट वैक्स टेक्निक. या फिर आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि इस वर्ड का प्रोनंसिएशन यही है या नहीं, बट मे बी इट्स सायर पर्ड्यू टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक. इसमें होता क्या है, पहले जो स्कल्पचर होता है उसको वैक्स से तैयार किया जाता है. पहले आप वैक्स का स्कल्पचर बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यही है, ये वैक्स का हमने स्कल्पचर बनाया, इसके चारों ओर मिट्टी जो है उसका लेयरिंग की, क्ले लगाया, उस क्ले को तपाया, वो क्ले बाहर से टाइट हो गया लेकिन अंदर जो वैक्स था वो पूरा पिघल गया और उसको हमने बाहर निकाल लिया. अब ये जो क्ले है, अंदर जो वैक्स पिघल के बाहर आ गया है, वो एक होलो क्रिएट कर देगा, यानी कि ये जो क्ले है ये एक प्रकार से सांचा बन गया, मोल्ड बन गया. अब इसके अंदर हम मोल्टन मेटल डालेंगे, वो मोल्टन मेटल उस होलो स्पेस में फिल हो जाएगा और वो उसी स्कल्पचर का शेप ले लेगा. बाद में ड्राई होने के बाद, ठंडा होने के बाद, बाहर की जो कवरिंग है क्ले की उसको हम तोड़ के निकाल देंगे. तो ये आपका मेटल कास्टिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आज भी साउथ में आप होता हुआ देखेंगे. देयर इज दिस स्कल्पचर, डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर जो हमें मोहन जोदड़ो से मिला है. ये ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ये एक एलॉय है, ये एक मिश्रित धातु है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बनती है. इवन अगर आप इस स्कल्पचर पर फोकस करेंगे तो आप एक महिला को देख सकते हैं. कुछ लोग इसको डांसिंग गर्ल कहते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि ये महिला डांस नहीं कर रही, ये पोज दे रही है और शायद ये किसी चीज को बड़े ध्यान से यहाँ पर कमर पर हाथ रख के देख रही है. बट उनके हाथों में आप बैंगल्स देखिए, गले में नेकलेस देखिए, उनके बालों का हेयर स्टाइल देखिए, वेरी ब्यूटिफुल. येस, ऑब्वियसली दे वर फैशन कॉन्शियस, उन्हें अपने आप को सजाना, इस तरह के ज्वेलरी पहनना पसंद था. ओके, देन यहाँ पे कुछ दूसरे उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ब्रॉन्ज का बुल का स्कल्पचर काली बंगन में, कॉपर के बने हुए डॉग्स, बर्ड्स, ये जो बफेलो आप देख सकते हैं ये हमें मोहन जोदड़ो से मिला. उसके बाद आते हैं टेराकोटा के स्कल्पचर्स की तरफ. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो कि कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर आपको देना है. एक्चुअली टेराकोटा के जो स्कल्पचर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं और हर घर में कहीं ना कहीं जहाँ भी एक्सकेवेशन हुआ हर साइट में आपको टेराकोटा के स्कल्पचर्स मिलेंगे. लेकिन टेराकोटा के जो स्कल्पचर्स हैं वो थोड़े से क्रूड हैं. अगर हम स्टोन के स्कल्पचर्स या मेटल के स्कल्पचर्स से टेराकोटा के स्कल्पचर्स को थोड़ा सा कंपेयर करें तो आप ये रियलाइज करोगे, आपको ये समझ आएगा कि ये थोड़े से क्रूड हैं. ऐसा लगता है कि किसी स्किलफुल व्यक्ति ने इन स्कल्पचर्स को नहीं बनाया, आम लोगों ने इनको बनाया है. सो देयर इज वेरी पॉपुलर स्कल्पचर, एक पॉपुलर स्कल्पचर आप यहाँ पर देख सकते हो. ओके, कैन यू सी दिस? इस स्कल्पचर को मदर गॉडेस कहा गया है, इंटरप्रेट किया गया है. हालांकि ये एक फीमेल फिगरिन है,
ओके यू कैन सी दिस. और पिंचिंग टेक्निक से, जैसे नोज बनाने के लिए यहाँ पर क्ले को पिंच कर दिया, या फिर जब उन्होंने ज्वेलरी बनाई होगी उस ज्वेलरी को बॉडी पर चिपकाने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रेस किया. कैन यू सी दिस, आर यू एबल टू सी, आप यहाँ पर उस प्रेस को महसूस कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कल्पचर पे, किस तरह से उस ज्वेलरी को दबाकर यहाँ पर चिपकाया गया है. तो प्रेस पिंचिंग टेक्निक से आम लोग जिस प्रकार से स्कल्पचर बनाते हैं ये ऐसा ही लगता है, ऐसा लगता है कि किसी स्किलफुल व्यक्ति ने इन स्कल्पचर्स को नहीं बनाया. दैट इज वाई दे आर वेरी मच क्रूड, दे आर नॉट दैट वेरी मच रिफाइंड इन नेचर एज कम्पेयर टू स्टोन स्कल्पचर्स या फिर जो हमने मेटल कास्टिंग देखी, राइट. दीज आर सम अदर एग्जाम्पल्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. This is from Mohenjo-daro. यहाँ पर एक बुल है जो कालीबंगन से मिला. Then you can see the small little sculptures, toy carts, wheels, whistles. ये भी काफी क्रूड है, लेकिन यहाँ पर हमें टॉय कार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें व्हील देखने को मिल रही है, यानी कि व्हील का इस्तेमाल इन्होंने शुरू कर दिया है. Then there is another sculpture which is very popular. ये हमें हड़प्पा से मिला है. And again, archaeologists ने इसको एक deity कहा है, एक god कहा है, एक mask है ये जिसके ऊपर horns है. एक और स्कल्पचर जो रिपीटेडली घर घर में और हर साइट में पाया गया वो ये है. सेम पोजीशन में एक इंसान, एक पुरुष जिसको दिखाया गया है एक दाढ़ी के साथ, और ऐसा लगता है कि शायद इसका जो रिपीटेडली हर साइट पर पाया जाना है ये हमें ये अंदाजा लगाने पर मजबूर कर रहा है कि शायद ये स्कल्पचर किसी गॉड का रहा हो. तो हम लोग श्योर नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में कि ये गॉड की वर्शिप करते थे या नहीं, लेकिन जिस प्रकार की चीजें पाई जा रही हैं उससे थोड़ा बहुत अंदाजा हम इन लोगों के जीवन के बारे में लगा पा रहे हैं कि शायद ये गॉड या गॉडेस, फीमेल गॉड्स एंड गॉडेस डेटीज की पूजा करते होंगे, नॉट वेरी श्योर. ओके, सो यू कैन सी दिस. देन इसी सीरीज में आगे सील्स की बात करेंगे हम. सील्स, नाउ द थिंग इज, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी की शुरुआत कहीं से होती है तो वो सील्स है. सील्स से ही आपको इस कहानी की शुरुआत होती है देखने को मिलेंगी. अलेक्जेंडर कनिंगम के सामने पहले ये सील ही आई थी. अब इस सील की खास बात ये है कि ये जो सील है ये अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल से बनी है. एगेट, चर्ट, कॉपर, फेंस, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी, इन सब से बनी हुई आपको ये सील मिलेंगी. इन सील्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के फिगर्स हैं और उन फिगर्स के साथ साथ आपको इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है उसमें भी कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, हालांकि हम जानते नहीं है कि ये क्या लिखा है. ये जो सील्स है ये कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज होती थी. ऑब्वियसली एक पॉट के अंदर ग्रेन भरा और उसके ऊपर सील लगा दी, तो शायद ये सील्स जो है सामान भेजने वाले या सामान जिसके पास जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखती होंगी, बट वी आर नॉट वेरी श्योर. इन सील्स में होल्स भी पाए गए हैं और ऐसा लगता है मानो कि इन सील्स का जब इस्तेमाल नहीं होता था तो इन्हें ताबीज या एमुलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा. ओके, सो अब सील्स की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पर बात करूंगी सबसे पॉपुलर सील के बारे में, और वो है ये. कैन यू सी दिस, ये जो सील है इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया गया है. कुछ लोग कहते हैं कि इस सील में जो फिगर है वो पशुपति हैं, योगिक पोस्चर में वो बैठे हैं, हाथों में बहुत सी बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, एक हॉर्न्ड क्राउन पहना हुआ है उन्होंने. इन्हें पशुपति इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके चारों ओर बहुत सारे जानवर हैं, पशु हैं, तो इट सीम्स कि ये शायद पशुओं के देवता रहे होंगे. यहाँ पर आप एलिफेंट देख सकते हैं, टाइगर है, रिहाइनोसॉरस है, बफेलो है, और इनकी सीट के नीचे दो एंटीलोप्स भी हैं. ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है ये पर्टिकुलर सील. कुछ पशुपति कहते हैं इनको, कुछ लोग कहते हैं कि ये पशुपति नहीं है, ये कोई फीमेल डटी है, कोई फीमेल फिगर है ये. ठीक है, तो इस तरह से इसको अलग अलग नाम से अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया गया है. एंड जब हम इस सील के ऊपर स्क्रिप्ट देखते हैं तो यू कैन सी द स्क्रिप्ट वेरी क्लियरली ओवर हियर. इस स्क्रिप्ट के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, कौन सी ऐसी जानकारी है जो इस स्क्रिप्ट के बारे में हम पता लगा सकते हैं. बहुत सारी वर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है. ठीक है, इन वर्ड्स को थोड़ा सा आपको याद रखना है. सबसे पहले जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक नेचर की है. क्या ये सच है? इज इट ट्रू? क्या आप इस स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक कह सकते हो? क्या इस स्क्रिप्ट में पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है डायरेक्ट मैसेज को कन्वे करने के लिए? आपने पीछे मछली के सिंबल देखा, मछली का सिंबल है वहां पे, अलग अलग प्रकार के सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के, तो ये पिक्टोग्राफिक है. जैसे आप लोगों ने इजिप्शियन स्क्रिप्ट देखी होगी, है ना, जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट होती है वो भी पिक्टोग्राफिक नेचर की है, तो ये भी पिक्टोग्राफिक नेचर की ही स्क्रिप्ट है, इंडस वैली स्क्रिप्ट. इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है इसकी एक डायरेक्शन है,
जैसे इंग्लिश है, रोमन स्क्रिप्ट है या देवनागरी है, उसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है ना, लेकिन इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और बहुत सारे ऐसे भी रिटन एविडेंस हमें मिले हैं जहां पर ये बोस्टोफिडोन स्टाइल को फॉलो करती है। बोस्टोफिडोन स्टाइल क्या है? जहां से खत्म हुआ, जहां पर लिखा हुआ आपको खत्म देखने को मिलेगा, वहीं से शुरू। इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ? आवाज आ रही है आप लोगों को? बोस्टोफिडोन स्टाइल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस नेटवर्क इशू, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम कुछ टॉपिक्स कवर करें, सारे नहीं तो एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स भी अगर हमारे कवर हो जाते हैं तो भी बहुत है। ठीक है, तो बोस्टोफिडोन स्टाइल के बारे में बात करते हैं। जहां पर आप लिखना खत्म करोगे उसी के नीचे से आप वापस शुरू करोगे। जैसे कि मैं अपना नाम लिखती हूं, मान लीजिए आरती छाबड़ी। अब यहां पर इसको खत्म किया तो हम इसी के नीचे से रिवर्स डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा। ठीक है, दिस इज व्हाट बोस्टोफिडोन स्टाइल इज। तो जहां पे खत्म उसी के नीचे से रिवर्स डायरेक्शन में, अब यहां पर खत्म हुआ है तो अब हम इसके नीचे से लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा। ठीक है, तो काफी जगहों पे इस रूल को भी फॉलो किया गया है, दिस इज बोस्टोफिडोन स्टाइल। ये जो स्क्रिप्ट है इसमें लगभग 400 के आसपास सिंबल्स हैं, लेकिन उन सिंबल्स का ना तो हमें प्रोनंसिएशन पता है और उन सिंबल्स को अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। ठीक है, तो आई होप आप इस स्क्रिप्ट के बारे में काफी सारी चीजें जान गए होंगे। अगली चीज आर्ट एंड क्राफ्ट की सीरीज में पॉटरी। इन्होंने पॉट्स भी बनाए हैं, व्हील मेड पॉट्स भी मिलेंगे आपको, हैंडमेड पॉट्स भी मिलेंगे, प्लेन पॉट्स भी मिलेंगे, पेंटेड पॉट्स भी मिलेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, इन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत किया है। बट अलॉन्ग विद दैट ये जो पर्टिकुलर पीरियड है इट इज ऑल्सो नोन फॉर रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड और ब्लैक पॉटरी आप इस समय में देखोगे, इवन ब्लैक ऑन रेड पॉटरी भी आप देखेंगे। ब्लैक ऑन रेड मतलब इट्स वेरी कॉमन, आप लोगों ने गर्मियों में मटके खरीदे हैं, अगर आप मटके का पानी पीना पसंद करते हैं तो आजकल भी ब्लैक ऑन रेड पॉटरी बहुत कॉमन है। रेड कलर से उसको बेस पेंट दिया जाता है, पेंट किया जाता है पॉट को, और ब्लैक से उस पर डिजाइन बनाया जाता है। तो ब्लैक और रेड पॉटरी एंड ब्लैक ऑन रेड पॉटरी वॉज वेरी कॉमन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा पॉलीक्रोम पॉटरी भी आप देखोगे, यानी दो से ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल भी किया गया है बहुत सारे पॉट्स को पेंट करने के लिए। कुछ पेंट, कुछ पॉट्स काफी कॉमन है डेकोरेटिव पर्पस के लिए है, जैसे मिनिएचर पॉट्स, बहुत ही साइज में छोटे पॉट्स भी बनाए गए हैं। तो ये है आपके पॉटरी। उसके बाद बीड्स, बीड मेकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर मैं चानूदारों की बात करूं या फिर लोथल की बात करूं तो ये बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे बीड्स यानी कि मोती बनाए जाते थे, अलग अलग प्रकार के मोती, सिलेंड्रिकल शेप के, बैरल शेप के, डिस्क शेप के मोती, और फिर उनको पिरोकर नेकलेस बनाया जाता था। तो अलग अलग प्रकार के ये रॉ मटेरियल से बने हुए बीड्स हैं जो छानूदारों और लोथल में मिलेंगे। बट कमाल की बात यह है कि ये सारा रॉ मटेरियल छानूदारों और लोथल में लोकली अवेलेबल नहीं है, तो ये दूर दूर से रॉ मटेरियल आता था, यहाँ लाया जाता था और उसके बाद इनसे ये बीड्स बनाए जाते थे। बट देर आर सम साइट्स जिन्हें क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर में तब्दील किया गया, वहां पर रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता के कारण, जैसे कि बालाकोट। बालाकोट से बाहर, बालाकोट में बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आता,
बालाकोट इटसेल्फ इज अ साइट जहां पर आपको बहुत सारी शेल्स मिलेंगी, सीपियां मिलेंगी, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है। तो इसको हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर में तब्दील कर दिया। तो यहाँ शेल कटिंग काफी कॉमन है, शेल के बने हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो काफी कॉमन है, ठीक है। तो ये आप क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स देख सकते हैं। नाउ क्योंकि हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी। नाउ यू कैन सी इस मैप के अंदर थोड़ा सा ये ब्राउन पोर्शन है, ये जितना ब्राउन पोर्शन आप यहां पर देख रहे हैं ना, दिस इज हरप्पन बेल्ट। ये हरप्पन बेल्ट है, मतलब ये सारी हरप्पन साइट्स हैं, ये हरप्पन कल्चर का पार्ट है। बट कंटेम्प्रेरी टू दिस हरप्पन बेल्ट, कंटेम्प्रेरी टू दिस हरप्पन कल्चर, क्या आप इस मैप में कुछ और कल्चर्स भी देख सकते हो? जैसे यहाँ जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर, आहाड़ बानस कल्चर, कयाथ कल्चर, और फिर महाराष्ट्र वाले रीजन में देयर वॉज अनदर कल्चर जिसे हम जोरवे कल्चर कहते हैं, है ना। तो जो हरप्पन कल्चर था उस कल्चर के कंटेम्प्रेरी, उसी के एक समकालीन आपको कुछ दूसरे कल्चर्स भी देखने को मिलेंगे। जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर है, आहाड़ बानस है, कयाथ कल्चर है, जोरवे कल्चर है, लेकिन क्या वो हरप्पन कल्चर जैसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। हरप्पन कल्चर जो है वो अर्बन था। यहां पर आपको सिटी लाइफ देखने को मिलेगी, टाउन्स देखने को मिलेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आप देखेंगे, ट्रेड आप देखेंगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन देखेंगे। जबकि जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर, आहाड़ बानस कल्चर, ये रूरल थे। यहाँ के लोग प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, खेती करते थे, इसके साथ साथ थैश्ड हाउसेस, झोपड़ियां बनाकर रहा करते थे। टाउन प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं थी, कॉपर और स्टोन के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कॉन्टैक्ट में थे, क्योंकि हड़प्पन पॉट्स इन कल्चर से पाए गए हैं एक्सकेवेट करने पर। तो ऑब्वियसली यहाँ बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था, तो हड़प्पा के जो लोग हैं इन कल्चर से रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए अपने पॉट्स में ग्रेन्स भरकर लाते होंगे और उन ग्रेन्स के बदले यहाँ से कॉपर ले जाते होंगे। तो कॉपर यहाँ से आता था, कॉपर लोकली हरप्पन बेल्ट की किसी भी साइट में अवेलेबल नहीं था, ओके। एंड ये जो कल्चर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर, आहाड़ बानस कल्चर, कयाथ कल्चर, जोरवे कल्चर, ये सारी चालकोलिथिक साइट्स हैं। और इस जगह से हमें किसी प्रकार की स्क्रिप्ट नहीं मिली है, तो ये सारे प्री हिस्टोरिक पीरियड में काउंट होता है। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन एंड चालकोलिथिक कल्चर, ये तीनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है। लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट भी है और उसे डिसाइफर भी कर लिया गया है, इसीलिए वो हिस्ट्री में आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है लेकिन उसे डिसाइफर नहीं किया गया, इसीलिए वो प्रोटो हिस्ट्री में आती है। और वहीं चालकोलिथिक साइट्स जो हैं उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये प्री हिस्ट्री में आती है। तो चालकोलिथिक कल्चर को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं, हालांकि ये कल्चर्स हड़प्पा सभ्यता के ही कंटेम्प्ररी थे, ओके। तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते थे, इसलिए हमने थोड़ा बहुत इस पर भी चर्चा की। दूसरी चीज है, यस, इनको कॉटन के बारे में, वुल के बारे में काफी अच्छे से जानकारी थी, जैसा हमने प्रीस्ट किंग की शॉल पर देखा, बड़ी खूबसूरती से वहां पे कढ़ाई वगैरह की गई है, ट्रिफॉइल पैटर्न के फूल वगैरह बनाए गए हैं। एंड यस, दे वर फैशन कॉन्शियस, हेयर स्टाइल वगैरह जो हमने देखा, डांसिंग गर्ल के जो बाल बड़े खूबसूरती से ब्रेड्स तैयार की गई, सिनेबर पत्थर का इस्तेमाल भी किया करते थे, उसका पाउडर बनाकर वो फेस पाउडर के लिए तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ जब जो सूट होती है, आप लोगों ने घरों में सूट से काजल बनाई होगी, आपके घर में कोई भी जो थोड़े से एज के लोग हैं, दिया जलाकर, सरसों का दिया जलाकर यहाँ पर प्लेट रख के जो सूट इकट्ठी होती है काले रंग की, उसको स्क्रैच करके उसको काजल की तरह यूज किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल ये लोग भी किया करते होंगे, ये कुछ चीजें हम सोच सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली इनके जो स्कल्पचर्स पाए गए हैं उसमें ऐसा ही लगता है कि ये लोग अपनी आंख को काले रंग से आउटलाइन करते थे, ओके। सो इस प्रकार की चीजें भी आप यहाँ पर देखते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू अदर डिस्कशन, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन था जो हमने यहाँ पर कवर किया। अब हम वापस से हमारे डिस्कशन की ओर वापस चलते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स को हमने कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल,
कि कहाँ कहाँ से ये दूर दराज के इलाकों से रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो उसको क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर बना दिया गया, ठीक है, ये आप देखोगे। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ से रॉ मटेरियल को लाया जाता था, दूर दराज के इलाकों से रॉ मटेरियल को लाया जाता था। तो ये दो प्रकार था, ये दो तरीके थे जिससे रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। नाउ कॉन्टैक्ट्स, क्या ये लोग दूर दराज के इलाकों से कॉन्टैक्ट्स रखते थे? डू वी हैव सम एविडेंस, क्या हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस मौजूद है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है दूर दराज के इलाकों से कॉन्टैक्ट्स रखती थी और हमारे पास एविडेंस भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट थ्री लोकेशन, ऐसी तीन जगहों के बारे में बात करेंगे। पहले ओमान, फिर मेसोपोटामिया और फिर दिलमुन। ओमान उस समय में मगन कहलाता था, मगन पुराना नाम है ओमान का। और कमाल की बात यह है कि ओमान में आपको एक जार मिलेगा ब्लैक कलर का, जो कि एक्चुअल में हड़प्पन जार है। तो वो वहां कैसे पहुंचा? ऑब्वियसली ट्रेड के थ्रू पहुंचा होगा। ये लोग इनलैंड ट्रेड करते थे तो ये दूर दराज के डिस्टेंट एरियाज के साथ भी ट्रेड किया करते होंगे। इसी प्रकार से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इनके साथ भी इनके ट्रेड कॉन्टैक्ट्स थे। कमाल की बात यह है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जब उसको डिसाइफर किया गया, वहां की क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स को जब रीड किया गया, तो उन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। लिखा है कि मेलुहा एक ऐसी जगह है जहां लैपिस लजूली, कार्नेलियन का पत्थर पाया जाता है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जिस मेलुहा का जिक्र मिलता है, वो मेलुहा कोई और जगह नहीं है, वो इंडस वैली सभ्यता ही है। बल्कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं, वो सर्कुलर शेप की है। जैसे ये सर्कुलर है, जैसे ये सर्कुलर है, तो आप इसको इस तरीके से रख के रोल करते हो। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं वो फ्लैट है, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मेसोपोटामियन सील्स और हड़प्पन सील्स के ऊपर जो मोटिव्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो फूल पत्तियां एनिमल्स बनाए गए हैं, वो बहुत सेम है। तो कहीं ना कहीं दे डू हैड सम कनेक्शन बिटवीन देम, कॉन्टैक्ट्स थे, इसीलिए इस प्रकार की सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं। वहीं जब हम दिलमुन की बात करें तो वही सेम चीज, दिलमुन में जो सील्स पाई गई उन पर भी हड़प्पन मोटिव्स हैं, पैटर्न्स हैं, डिजाइन है, फूल है, पत्तियां हैं। और दिलमुन में आपको जो वेट्स मिलेंगे वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जिसे हड़प्पन फॉलो किया करते थे। और इस प्रकार की सील्स भी आपको देखने को मिलेंगी जिनके ऊपर शिप्स और बोट्स बनी हुई हैं, यानी ये इनलैंड ट्रेड में और डिस्टेंट लैंड्स के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व थे। ओके, तो यू विल सी दिस थिंग। यहाँ हम वेट्स की बात कर रहे थे, तो वेट्स जो हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड वेट्स हैं एंड अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल के वो बने हुए हैं। चर्ट स्टोन वॉज क्वाइट कॉमन। ओके, क्यूबिकल शेप के आपको ये वेट्स मिलेंगे और ये वेट्स दो प्रकार के हैं, लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स भी हैं और हायर डिनोमिनेशन के वेट्स भी हैं। जैसे क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स नॉर्मली किसके पास पाए जाते हैं और हायर डिनोमिनेशन के वेट्स किसके पास पाए जाते हैं? लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स गोल्ड स्मिथ, सुनार वगैरह होते हैं ना, जो ज्वेलरी बनाते हैं, उनके पास पाए जाते थे पहले। अब तो वेइंग मशीन आ गई हैं जो कि उतने कम वेट को भी काफ़ी अच्छे से तोल लेती हैं। और हायर डिनोमिनेशन के वेट्स नॉर्मली सब्जी बेचने वाले जो वेंडर्स होते हैं उनके पास मिलते हैं, वो बाट। ओके, तो लोअर डिनोमिनेशन और हायर डिनोमिनेशन के वेट्स इस समय में भी थे। लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे। बाइनरी यानी मान लीजिए वन यूनिट का वेट है तो अगला जो वेट होगा वो टू यूनिट का होगा, उससे अगला वेट इसका डबल फोर यूनिट का, उससे अगला वेट इसका भी डबल दैट इज एट यूनिट, फिर 16, फिर 32, इस तरह से। वहीं जब हम हायर डिनोमिनेशन की वेट्स की बात करते हैं तो ये डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी अगर एक वेट वन यूनिट का है तो दूसरा वेट 1.2 यूनिट का आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वेट्स थे। और ब्रिक्स के जो साइज है वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड थे, जो ईटे हमें एक्सकेवेट करने पर मिली हैं वो 1:2:4 इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती थी। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। और कमाल की बात ये है कि ये यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है दूर दराज के इलाकों तक।
ये यूनिफॉर्मिटी अगर आप हरियाणा के राखी गढ़ी में देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड वेट्स है, सील्स है, तो वो चीज धोलावीरा में भी है। सो इस प्रकार की यूनिफॉर्मिटी जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। वॉज देयर समवन सिटिंग एट द सेंटर टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस? क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी? ये सवाल बार बार दिमाग में आता है। कुछ लोग कहते हैं शायद कोई राजा रहा हो, कुछ लोग कहते हैं शायद डेमोक्रेसी हो, वी आर नॉट वेरी श्योर। लेकिन उसके अलावा एक और सवाल जो इस सभ्यता से जुड़ा है वो है अंत। आखिर ये सिविलाइजेशन जो है इसका एंड कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ? हम आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे। कुछ लोग कहते हैं शायद बाढ़ आ गई होगी, लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, यहाँ पर जो कल्चर था सील्स वेट्स का यूज करने का वो डिसकंटिन्यू हो गया। कुछ कहते हैं कि शायद रिवर्स सूख गए, या फिर यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस की वजह से बदलाव आए, या क्लाइमेट में चेंज आया। बट ये सारे के सारे कारण जो हैं उन्हें हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते ये कहने के लिए कि इस सभ्यता का अंत एक बार में एक साथ कैसे हुआ। यानी मान लीजिए अगर नदियां सूखती भी हैं, ये नदी सूखती भी है, तो उसका असर शोरतुगई पर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। इसके आसपास के पेड़ अगर सारे कट भी जाते हैं तो भी दूर दराज के इलाकों तक उसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्लाइमेट चेंज इतने दूर दराज के इलाके तक वो चीज़ एक यूनिफाइंग फैक्टर नहीं हो सकता। एक्सेसिव फ्लड, फ्लड भी आएगा तो नदियों के आसपास के रीजन में ही तो उसका असर पड़ेगा। शोरतुगई क्यों, राखी गढ़ी क्यों, ये दूर दराज के इलाके क्यों, धोलावीरा क्यों, लोथल क्यों? तो हमारे पास कोई एक यूनिफाइंग फैक्टर नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि यही वो कारण है जिसके वजह से पूरी सभ्यता अंत हुई, क्योंकि पूरी सभ्यता का अंत एक साथ हुआ है। ये ग्रेजुअली आप देखोगे ये चीज़ नहीं है। द पॉइंट इज जो कल्चर था उसको डिसकंटिन्यू किया गया। सील्स हैं जो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रिक्स वगैरह देख रहे हैं, जो ऊपरी लेयर्स हैं इस सिविलाइजेशन की, जो लेटर फेज की लेयर्स हैं, स्ट्राटाज हैं, उनमें वो चीज़ें नहीं पाई जा रही। सो यहाँ इन लोगों ने इस एरिया को छोड़ दिया है, लेकिन इस एरिया के छोड़ने के पीछे का कारण क्या है, माइग्रेशन के पीछे का कारण क्या है, वो अब तक हम नहीं पता कर पाए। ओके, सो दिस वॉज अ स्मॉल टॉपिक ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल रात 10:30 स्पेशल क्लास इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर होगी, जिसमें हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए MCQs कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। थोड़ा सा फास्ट पेस में है, बस हम चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में हम इस पर टॉपिक्स पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जस्ट टू एक क्विक रीकैप हम करने की कोशिश कर रहे हैं टॉपिक्स की, ताकि प्रीलिम्स में आपको ये टॉपिक्स काम आए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट। और कल का स्पेशल क्लास का जो सेशन है उसको मिस ना करें। 10:30 आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। माइसेल्फ आरती छावी, 3 साल से एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और आर्टिक कल्चर पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी पर। तो आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के इन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।